अब इनिशियली डेज में आमिर खान ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जब कदम रखा था तो उनके चाचा नासिर हुसैन ने उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। पहली डेब्यू फिल्म से लेकर मौजूदा दौर में आमिर खान ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। आमिर खान उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक है जिनकी साल दो साल बाद एक आध फिल्में रिलीज होती हैं और उन फिल्मों का कलेक्शन भी काफी ज्यादा शानदार रहता है। या यूं कहें कि आमिर खान अपनी फिल्मों को 100% परफेक्ट बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, तभी तो उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आमिर खान के घर के कई सारे सदस्य फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं और उन्होंने अपना नाम भी कमाया, लेकिन सबसे ज्यादा नाम आमिर खान का ही है। मौजूदा दौर में भी आमिर खान का जलवा किसी से कम नहीं है और वो एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे निर्माता भी हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात करें आमिर खान के भाई की, तो फैजल खान फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम क्यों नहीं कमा पाए? क्यों आमिर खान से अच्छी फिजिक्स रखने वाले फैजल खान को दर्शकों ने बुरी तरीके से नकार दिया? वहीं दूसरी ओर आमिर खान आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार हैं। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि आमिर खान के भाई फैजल खान ने भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था और उन्होंने कई सारी फिल्में भी की। उन फिल्मों की तरफ नजर डालें तो फैजल खान ने मदहोश और मेला जैसी कई सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये सभी फिल्में सफल नहीं हो पाई और फैजल को फिल्में मिलना बंद हो गई। लेकिन इसी कड़ी में फैजल खान एक बार फिर से चर्चाओं के केंद्र में आ गए हैं। लगभग कई सालों के बाद अब फैजल खान ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग वापसी की है। फिल्म का नाम फैक्ट्री बताया जा रहा है और इस बार वो निर्देशक और कलाकार के रूप में इस फिल्म के साथ एक बड़ा कमबैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फैजल ने अपनी शुरुआती फिल्मों के नहीं चलने और फिल्मों में काम मिलना बंद होने के बारे में एक बड़ा खुलासा किया था। इस इंटरव्यू के दौरान फैजल खान ने अपनी पहली दो फिल्में मदहोश और मेला के असफल रहने के बारे में बातचीत करते हुए बॉलीवुड हंगामा को दिए 2015 में एक इंटरव्यू में बताया था कि जब फिल्म मेला अच्छी नहीं चली तो मुझे अच्छा प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे, ऐसे प्रस्ताव जो बड़ी फिल्मों और अच्छे डायरेक्टर्स के हों। दुर्भाग्य से मेरी पहली फिल्म मदहोश भी अच्छा नहीं कर पाई थी, फिर मेला आई, बड़ी फिल्म होने के बावजूद वह भी नहीं चल पाई और स्वाभाविक रूप से मेरी मार्केट वैल्यू एक एक्टर के रूप में गिर गई। फैजल इसके बाद आगे बताते हैं कि मैं कई सारे निर्माताओं से काम मांगने गया क्योंकि मेला से मुझे एक्टर के रूप में पहचान नहीं मिली थी। मैं कई निर्माताओं के पास काम के लिए गया लेकिन काम नहीं उन्होंने दिया। इसके 6 महीने बाद मुझे एहसास हुआ कि जिन बैनर्स के साथ मैं काम करना चाहता हूँ वो नहीं मिल रहे। तब मैंने छोटी फिल्में करने की सोची और कुछ लाभ कमाया, लेकिन इस बीच कुछ फिल्में रुक गई किसी कारण से, इसलिए काम आना बंद हो गया क्योंकि उस दौरान ऐसा लगने लगा कि मुझे फिल्में नहीं मिल रही हैं या रिलीज नहीं हो पा रही हैं, इसलिए मुझे ये सब फेस करना पड़ा। हालांकि इसी इंटरव्यू के दौरान फैजल खान ने आगे बातचीत करते हुए बताया कि फिर मैंने टीवी की तरफ रुख किया, आंधी नाम का एक सीरियल किया, फिर मुझे लगा कि मेरी फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं तो मैंने छोटी फिल्में नहीं करने का फैसला लिया। मैंने एक एक्टर के रूप में काम करना बंद कर दिया, एक एक्टर के रूप में मैंने हथियार डाल दिया। तो इस तरह 2015 को दिए एक इंटरव्यू के दौरान फैजल खान का दर्द छलका था। यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि आमिर खान और फैजल खान के बीच रिश्तों में भी कड़वाहट हमें देखने को मिली। बात करना चाहेंगे 2007 की, जब एक रिपोर्ट सामने आई थी जिस रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि फैजल मेंटली फिट नहीं है और डिप्रेशन में होने के साथ साथ सिजोफ्रेनिक के शिकार भी हैं। फैजल ने इस बारे में बातचीत करते हुए बताया था कि वह बिल्कुल फिट और सही थे और उन्होंने इस रिपोर्ट को गलत ठहराया था। उन्होंने ये भी बताया कि यदि वह मानसिक रूप से कमजोर होते तो वह अपनी फिल्में खुद से हैंडल नहीं कर पाते। हालांकि इसके कई साल पहले फैजल ने आमिर खान पर संपत्ति हड़पने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद आमिर और उनके पिता ताहिर हुसैन के कस्टडी को लेकर भी विवाद की खबरें सामने आई थी। साल 2007 में फैजल की माँ और बहन ने उनके लापता होने की शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस को वो लोनावलम से मिले थे। फैजल को साल 2007 अक्टूबर में जेजे हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया था, जहां वे 5 सीनियर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के देखरेख में थे। इसके बाद कोर्ट ने फैजल की कस्टडी उनके पिता को देते हुए कहा था कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, वो महीने में 2 बार हॉस्पिटल विजिट कर ले। तो दोस्तों, कई सालों के बाद अब फैजल खान एक बार फिर से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना कमबैक करने जा रहे हैं। मदहोश और मेला जैसी फिल्मों को करने के बाद फैजल खान के हाथ अब एक बड़ी फिल्म लगी है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक बार फिर से वो दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब साबित रहेंगे।